subscribe our channel and press the bell icon so that you will never miss any update. Hi friends, welcome to Jyoti's Kitchen Recipe. आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट बर्फी. तो चलिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी. मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप नारियल, जिसे मैंने छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है. 1/2 कप चीनी, 1 चम्मच घी, 5 से 6 इलायची. गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ कुछ बातें, आप चाहें तो कोई से भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए अब इसे बनाते हैं. कोकोनट बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम नारियल को ग्राइंड कर लेंगे. ये देखिए हमने नारियल को ग्राइंड कर लिया है, अब इसे बॉल पे निकाल लेते हैं. ये देखिए हमारे पास 1 कप ग्रेटेड नारियल है. ध्यान रखिएगा कि हमें चीनी इसका 1/2 मात्रा में डालना है. अगर हमारे पास 1 कप ग्रेटेड नारियल है तो हमें चीनी 1/2 कप लेना है. तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं. गर्म हो चुका है, ले लेंगे. ग्राइंड किया हुआ कोकोनट ले लेते हैं. इसे इस तरीके से मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट लगातार चलाते हुए भूंज लेंगे. ये देखिए हमने इसे 3 से 4 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर भूंज लिया है. आप देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है. इसमें इलायची डाल देंगे, चीनी डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट और पका लेंगे, जिससे हमारी चीनी कोकोनट में अच्छी तरीके से मिल जाए. ये देखिए हमारी चीनी इसमें अच्छे तरीके से मिल चुकी है. हमने लगभग इसे 3-4 मिनट पका लिया है. चलिए अब इसे थाली में शिफ्ट कर देते हैं. ये देखिए हमने थाली को घी से ग्रीस कर लिया है. इसमें ये हमारा कोकोनट मिक्स से डाल देते हैं और जमा लेंगे. हम इसे थोड़ी मोटी ही रखेंगे, इसकी लेयर नारियल की बर्फी थोड़ी मोटी ही अच्छी लगती है. और इसे पिस्ता से गार्निश कर देंगे. जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसे काट लेंगे. ये देखिए हमारी कोकोनट बर्फी अब ठंडी हो चुकी है. चलिए अब इसे काट लेते हैं. ये देखिए हमारी बर्फी तैयार है. लीजिए हमारी कोकोनट बर्फी तैयार है. आप भी इसे ट्राई कीजिए और शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ. हम जल्द ही मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ. अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.